हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके क्लास थ्री यानी जो जीएस प्लस के लेक्चर्स होते हैं उन पर। और इससे पहले हमने जो है कल डिस्कस किया था तमाम ऐसी चीजें थी जिन पर, और उनमें हमने देखा था जो आपका भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के इतिहास को लेकर हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे थे। तो उन्हीं के क्रम में आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये कोर्स आपके 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो जितने लोग हैं, ठीक है, जो लोग सारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उन्हें हर एक क्लास की नोट्स भी चाहिए तो आप सभी 3 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान से भी जुड़ जाएं, जो 499 में 3 महीने तक आपकी हर दिन टीम के द्वारा चलने वाली हर एक विषयों की आपको नोट्स विधिवत दी जाएगी। इस वजह से नोट्स भी चूंकि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वीडियोज उपरांत आपको नोट्स पढ़ना हो, ठीक है, आप उनका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। नोट्स अच्छे उसमें दिए जाएंगे, लास्ट में कंबाइन करके सब कुछ दिया जाएगा। तो नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, इसी वजह से जितनी क्लासेज आपको चल रही सभी के नोट्स के लिए आप सभी लोग इस जो है पीडीएफ प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। दूसरी बात, कल मैंने आपको इस लेक्चर के अधीन अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजें ऐसा डिस्कस की थी कि जो है 1858 में जब ब्रिटिश ने भारत की सत्ता को अपने हाथों में काबिज किया तो उस दौरान ब्रिटिश सरकार की ओर से एक अध्यादेश पारित हुआ था, ठीक है, एक अधिनियम आया था जिसके द्वारा उसने यह घोषित किया था कि अब कंपनी के राज से सारी चीजें ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले रही है और अब भारत प्रशासन सीधा सीधा किसका होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, ब्रिटिश की संसद का होगा, ब्रिटिश की ताज का होगा। तो आज चीजें हमें वही 1858 पर मैंने आपसे विधिवत चर्चा किया था। 1858 के बाद में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिन पर हमें पढ़ना है। तो आज इस क्लास में यानी उसका ये भाग आपका 3 है, इसमें हम लोग पूरा जो है आपसे हर एक चीजों के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। तो सारे लोग जो लोग नए हैं खासकर चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब कर लें, और ये हर दिन की तीसरी क्लास जीएस प्लस की क्लास के अंतर्गत आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है आपको वो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली बेसिस पर हर दिन आपको पीडीएफ मिलेंगी। अन्य क्लासेस सुबह वाली जो 10 एएम पर आपकी होती है, 10 एएम वाली आपकी जो है यूपी ट्रिपल एससी बेस्ड पर लेखपाल के लिए चल रही है। सुबह 10 वाली देखिए, 2 एएम जो आपकी 2 पीएम पर होती है उसको देखिए, ठीक है। दोपहर में एक क्लास आती है जिसमें मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, कौन सा, इस समय उत्तर प्रदेश जो है ये ग्राम विकास एवं समाज की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, और उसी में हिंदी भी 3 दिन हिंदी और 3 दिन आपका ये चलता है। तो 2 क्लासेस को आपको लेखपाल के लिए, बाकी जैसे लेखपाल में बहुत डीपली जीएस पूछता है तो उसके लिए शाम को 6 बजे ये क्लासेस देखना है। रात को 10 बजे जितना कुछ पढ़ के उसका टेस्ट होता है, मैं लाइव रहता हूँ, लाइव सेशन आपके क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, तो उसमें अटेम्प्ट करना है। 4 क्लासेस डेली अटेम्प्ट करिए, आपके लिए बहुत है, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी पर बात कर रहा हूँ, आपसे आगे बढ़ता हूँ। कल जहां पर हम लोगों ने बात किया था उससे आगे सारी चीजें जो है 1858 के बाद जो है क्या हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, यह संवैधानिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। 1858 के बाद शासन में भारतीयों के सहयोग को आवश्यक समझने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि जब तक भारतीय शासन में सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम भारत पर अपनी सत्ता काबिज नहीं कर पाएंगे, पूर्ण रूप से शासन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि 1857 के विद्रोह ने बहुत कुछ अंग्रेजों को समझा दिया था कि अब भारतीय आपकी सत्ता से खुश नहीं है, आपके शासन को मानने वाले नहीं है। इस वजह से 1858 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सत्ता को अपने हाथों में लिया तो उसके बाद लगातार समय समय पर कई ऐसे आवश्यक प्रावधानों को उसने भारत देश पर भी उसके आधिपत्य में जितने क्षेत्र थे उन पर लागू किया। इसी के क्रम में 1861 में एक अधिनियम आता है, उसके बाद 1892 में एक आता है, और उसके बाद 1909 का आता है। ये 3 एक्ट यानी भारतीयों के सहयोग को आवश्यक समझने पर पारित किए गए कि अब सरकार में भारतीयों की कैसी कैसी मौजूदगी होगी, भारतीय सत्ता में कैसे कैसे सहयोग करेंगे, तो ये 3 एक्ट उसके लिए पारित किए गए हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि 1861 का जो भारत शासन अधिनियम रहा यह किन विषयों को अपने आप में समाहित करता है। सबसे पहला पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत विधिवत पूछता है। ये सारी क्लासेज आपकी जितनी मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, ये आप चाहे स्टेट पीसीएस में बैठने जा रहे हो प्रीलिम्स में, तब भी आपके लिए क्लासेज बहुत व्यापक हैं, क्योंकि मैंने
जहां से जिस भाषा में शब्द पूछता है उन्हीं से उन्हीं भाषा में नोट्स तैयार किया है, ठीक है। तो इसको बहुत विधिवत देखिएगा, सारी नोट्स सब कुछ जो है, ऐसा नहीं कि किसी जो है उसका मटेरियल है, सब कुछ एक आपका निचोड़ है। तो इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि इन सारी नोट्स को आप विधिवत लीजिए, सब्सक्रिप्शन प्लान से जुड़िए ताकि आपको हर एक नोट्स जो है उपलब्ध हो। दूसरी बात, इसमें किया क्या गया था, सबसे पहला प्रावधान जो आया, यह प्रावधान ना कि भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इससे पहले जो लोग क्लास टू सीधा ये मेरी भाग दो देख रहे हैं, वो लोग क्लास जो है भाग दो इससे पहले मैंने बताया 1858 तक उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको समझिए, ठीक है। क्या किया गया, भारतीय जो प्रतिनिधि होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इनको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। अभी तक सिर्फ अंग्रेज ही शामिल होते थे। दूसरी बात, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। सबसे पहले यह प्रश्न कई बार पूछता है कि सर्वप्रथम किन भारतीयों को विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मंजूरी दी गई। तो सबसे पहला नाम किसका है, बनारस के राजा का, दूसरा नाम है पटियाला के महाराजा का, और तीसरा नाम है इसमें सर दिनकर राव का। ये तीनों चीजों को ध्यान रखिएगा, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो सर्वप्रथम विधान परिषद में मनोनीत होने वाले भारतीय थे, समझ गए। अगली बात, अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, यानी डिसेंट्रलाइजेशन यहां से प्रारंभ होता है। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन लाए थे, हर शक्तियों को एक जगह किया गया, यहां से विकेंद्रीकरण यानी हर एक शक्ति को वापस जो है पुनः हर जो पावर में बैठा व्यक्ति था उसको दिया जाना प्रारंभ किया गया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है 1861 के जो है भारत शासन अधिनियम से। अगली बात, मद्रास और बंबई जो आपकी प्रेसिडेंसी थी, इनको पुनः विधायी शक्तियां वापस प्रदान कर दी गई। कल ही मैंने आपको बताया था कि मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी इसको बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था, तब वह केंद्रीकरण की नीति थी, यहां पर वापस उस नीति को पुनः अपना लिया गया और विकेंद्रीकरण की नीति को प्रारंभ कर दिया गया। अब समझिए, यहीं से विभागीय प्रणाली का प्रारंभ होता है। सबसे पहले विभागीय प्रणाली का जन्मदाता आपसे पूछा जाता है, तो यहीं से विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, कब से, 1861 के भारत शासन अधिनियम से। अगली बात, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का जो विस्तार रहा, इसमें और सदस्यों को शामिल कर लिया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी जिस पर मैंने चर्चा किया था कि एक विधि सदस्य को भी लाया गया था। अब चूंकि 1858 से गवर्नर जनरल की परिषद को हटाया गया, सदस्यों की जगह पर पहले जो 5 और 6 होते थे उनको अब क्या किया गया, 15 तक बढ़ाया गया। तो इन्हीं सारे प्रोसीजर्स को हमें देखना है। आगे ध्यान दीजिए, इसी के क्रम में जो गवर्नर जनरल आपका कहां का, बंगाल वाला मामला था पूरा, इसको अगर हम सही से देखें, ठीक है, गवर्नर जनरल को बंगाल और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। सबसे पहले कहां, एक तो बंगाल में, दूसरा आपका कहां, दूसरा आपका है जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और तीसरा आपका जो है पंजाब राज्य में। इन 3 जगहों पर क्या किया गया, विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगली बात, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आज देखते हो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो यह शक्ति किसके अंतर्गत, यह हमने कहीं ना कहीं देखा है, हम पर जिन्होंने शासन किया हमने उनकी नीतियों को देखा है, यहां पर इसी के द्वारा 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दी गई थी, ठीक है, पहली बार ऐसा किया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कई बार आपका पूछा है, वैसे मैंने जितने पॉइंट्स को इंक्लूड किया है ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं किन्हीं जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब 1861 हम जान लिया, अब हम जानते हैं 1892 में आखिर क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। ध्यान दीजिए, 1892 के द्वारा सबसे पहले राजस्व एवं व्यय अथवा जो बजट कहते हैं आप, बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, किसको, भारतीयों को, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, सबसे पहले इनडायरेक्ट जो इलेक्शन मेथड था वो 1892 से प्रारंभ होता है, जो आजकल जो है राष्ट्रपति के में भी जो है चुनाव में इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट जो आपका ये होता है इलेक्शन जो है मैनर। उसके बाद
1992 में दो चीजें बहुत प्रमुख रही, इस वजह से इसको जानते हैं। इनसे प्रश्न इन दोनों भी जो है प्रासंगिक बिंदुओं से पूछा है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो आपका है 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको आप माल्ले मिंटो रिफॉर्म के तौर पर जानते हैं। माल्ले मिंटो रिफॉर्म यानी माल्ले मिंटो सुधार आखिर था क्या, इस चीज को विधिवत समझना है, क्योंकि 1909 के बाद 1919 में एक और एक्ट आया था जिसको हम लोग मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार के तौर पर जानते हैं। वो सुधार था, यह भी सुधार है। अब दोनों में विशेषताएं क्या रह गई, इन्हीं को पर्याप्त रूप से हम अच्छे ढंग से पढ़ते। देखिए, माल्ले मिंटो क्यों बोला गया, सबसे पहले दिमाग इस पर आप ले जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो लॉर्ड माल्ले थे ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो आपके मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो जिनको बोलते हैं, ये भारत के उस समय के वायसराय थे आपके। यह सुधार किसकी समिति पर पारित हुआ, यह सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ था, 1909 का माल्ले मिंटो सुधार। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यह प्रश्न आपका आया है कि 1909 का माल्ले मिंटो सुधार किस समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ था, तो उस समिति का नाम था सर अरुंडेल समिति। अब इसके द्वारा अन्य बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को देखें, और जिनके लिए अंग्रेज सबसे ज्यादा बदनाम हुए, जिन चीजों को उन्होंने चलाया, वो नीति सबसे पहले यही देखी, फूट डालो राज करो नीति का पोषक कौन सा रहा, 1909 का माल्ले मिंटो रिफॉर्म है आपका, फूट डालो और राज करो। इसके द्वारा जो प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर जो है की गई, प्रांतीय जो विधान परिषद होती थी उनकी संख्या में वृद्धि की गई, और वृद्धि के बाद क्या किया गया, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति दी गई। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल और भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति का प्रावधान भारतीयों का किसके द्वारा रहा, वो 1909 के जो है माल्ले मिंटो रिफॉर्म द्वारा हुआ। समझ गए, अगली बात को समझो। यहां पर यह जो तथ्य है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आया है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, इसीलिए यहां पर फूट डालो और राज करो नीति की पोषक सारी चीजें दिखने लगी है। ठीक है, यहां पर हस्तक्षेप बढ़ गया, इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कर दिया कि मुस्लिमों ने जितनी चीजें जितनी ताकत 1858 के विद्रोह में दिखाई थी, कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया था। अंग्रेज क्या समझते थे कि मुगल यहां पर आए और लगातार शासन किया तो यहां की जो जनसंख्या पहले चुकी हिंदू बाहुल्य था, तो हिंदू बाहुल्य होने की वजह से यहां के मुस्लिम हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि आप जानते हैं कि जितने भी मुस्लिम भारत में रह रहे हैं ये सभी पहले कहीं ना कहीं हिंदू थे, उसके बाद जो है ये धर्म परिवर्तित आपके क्या है मुस्लिम है, उसमें बातें क्या करनी है। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने भरपूर साथ दिया था हिंदुस्तान की आजादी में 1857 के विद्रोह में, तो अंग्रेजों ने यहां से दिमाग लगाया कि कैसे कैसे अलगाव हम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहली चीज मुस्लिमों को मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व यहां से घोषित किया, यहीं से चीजें अलग होने लगी। अगली बात क्या आपको जानना है, लॉर्ड मिंटो जो है इसको सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है, यह सवाल आया है कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसको बोलते हैं, वो लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि मुस्लिमों के लिए जो उपबंध की बात आई, अलग प्रतिनिधित्व की बात आती है, वो 1909 में इसी के द्वारा सबसे पहले की गई। ठीक है, अगली बात, भारतीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की छूट दी गई। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया और विधि सदस्य के तौर पर, ठीक है, ये उसमें नियुक्त हुए थे। दूसरी बात, ठीक है, ये पॉइंट आपका दूसरा है, सबसे पहले जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय, तो वह आपका था सत्येंद्रनाथ सिन्हा। दूसरी बात, विधि सदस्य के तौर पर इंग्लैंड के भारत परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो चीज ध्यान रखना है, एल के सी गुप्ता थे, और दूसरे जो थे ये सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। इन दोनों के नाम पूछा है, इन दोनों को याद रखिएगा कि इंग्लैंड के भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे, तो उसमें केसी गुप्ता का नाम याद रखिएगा, और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको सैयद हुसैन बिलग्रामी का। समझ गए, उसके बाद 1909 वाले में क्या एक प्रावधान किया गया, अंग्रेजों ने देखा कि कुछ शासकों ने तो अंग्रेजों का मदद किया था,
ठीक है, विद्रोह को दबाने में कुछ शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी, लेकिन कुछ शासकों ने क्या किया, विद्रोह को जो है और ज्यादा बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भारतीयों का साथ दिया, अपनी जनता का साथ दिया, तो इसलिए अंग्रेजों ने दिमाग लड़ाया और जो प्रांतों में अभी तक द्वैध शासन की व्यवस्था चलती थी कि भैया राजस्व हमारा मामला और राज करने का तुम्हारा मामला, तो इस चीज को पूरी रूप से समाप्त किया गया कि प्रांतों में शासकीय बहुमत पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। भले ही पेंशन भोगी थे लेकिन शासक का अपना प्रतिनिधित्व होता है, जनता उसे मानती है, ठीक है, तो और भारतीयों की बात, भारतीयों में तो राजा माना जाता है, ठीक है, और राजा की बात जो है भगवान, राजा को भगवान का दर्जा दिया गया है धर्म शास्त्रों में, तो यहां पर क्या चीजें चली कि शासकीय जो बहुमत था इसी चीज को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया कि जब शासक अपने शासन पर नहीं होंगे तो विद्रोह होने के चांसेस खत्म होने लगेंगे। अगली बात अब हम इसमें देखते हैं और कौन से प्रावधान है, अन्य प्रावधानों में देखें तो सबसे बड़ी बात एक और आती है कि जो बजट था आपका, बजट होता था, इस पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरा प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा, यह 1909 के आपके माल्य मिंटो रिफॉर्म के द्वारा हुआ। अब हम बात क्या करते हैं 1919, इसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है, ठीक है, 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया इसको मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार के तौर पर जानते हैं। 1919 में आया था लेकिन यह लागू हुआ 1921 से। सबसे पहली बात तो इसे आपको यही जानना है कि यह लागू कब हुआ था, तो यह लागू हुआ था आपका 1921 में। दूसरी बात, भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, वो ये जब आपका आया अधिनियम तो उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू थे, और जो वायसराय भारत के थे वह चेम्सफोर्ड थे, और इन दोनों के नाम पर इसका नाम जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इनमें क्या क्या प्रावधान हुए इसको अगर हम समझे तो सबसे पहली चीज आपको यह जाननी है इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर जो स्वीकृत प्रदान करने का अधिकार होगा वह निचले सदन को था, ठीक है, निचला सदन जैसे आज हम जिसे लोकसभा के तौर पर जानते हैं, ठीक है, तो एक प्रावधान यहां से किया गया। दूसरी बात, केंद्र में द्विसदनात्मक जो है विधायिका की स्थापना की गई, जैसे इस समय वर्तमान में अपने यहां ऐसा 1919 में हुआ था, तो ध्यान दीजिए प्रथम राज्य परिषद जिसको आज हम क्या राज्यसभा के तौर पर जानते हैं, ठीक है, तो इसको पहले राज्य परिषद क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और द्वितीय जो है ये केंद्रीय विधानसभा कहलाती थी जिसको आज हम लोकसभा के तौर पर जानते हैं, इसका प्रावधान, इन सारी चीजों का प्रावधान 1919 में किया गया था, ठीक है, आज भी व्यापक रूप से चलते हैं। अन्य क्या क्या बातें आई इनको जब हम समझेंगे, राज्य परिषद के जो आपके क्या होते थे सदस्य, इनकी संख्या कितनी थी ये प्रश्न आपका पूछा है, जो राज्य परिषद यानी राज्यसभा उच्च सदन होता था इसमें सदस्यों की संख्या 60 होती थी, तब 1919 वाली बात है, जिसमें से जो 34 निर्वाचित होते थे सदस्य और उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था, जो इसमें से 60 टोटल होते थे, 34 का निर्वाचन था, बाकी आपके मनोनयन से होते थे, ठीक है, और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, आज राज्यसभा क्या है 6 साल के कार्यकाल के लिए है, ठीक है, तब 5 वर्ष होता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई इसी से 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रत्यक्ष निर्वाचन, अभी आपने इससे पहले वाले पढ़ा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है कब से शुरुआत हुए वो चीजें मैंने वहां पर बताई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई और दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था, ये जो आपके उच्च सदन और निम्न सदन थे केंद्रीय विधायिका, ठीक है, और साथ ही साथ जो राज्य परिषद थी इनके सदस्यों का निर्वाचन जो होता था वह बहुसंख्यक सदस्यों को, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित करते थे। अगली चीज जो है जिसमें सांप्रदायिक अभी जो आपकी वो बात आई थी कि सबसे पहले, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्या रहा, तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन चलता था उसी चीज को क्या किया गया और विस्तार किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों पर भी लागू किया गया। तो यह भी पूछता है कि जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन रहा इसका विस्तार कब किया गया, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से किया गया।
दूसरी बात, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 का जो भारतीय होना आवश्यक था, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे, उनमें से 3 को कंपलसरी किया गया कि 3 आपके भारतीय होंगे, समझ गए। अगली बात क्या थी, मताधिकार, अगर भारत के में बात करें कि ब्रिटिश भारत में मताधिकार किस जो है पहली बार कब दिए गए, तो यहीं पर चीजें आ गई, लोगों को सीमित संख्या में मताधिकार दिया गया, यह प्रश्न पूछा है, 1919 के माध्यम से हुआ है, तो लोगों को सीमित संख्या में मताधिकार दिया गया, लेकिन इसका जो आधार था वह आधार क्या था, आज जैसा नहीं कि यूनिवर्सल जो है वोटिंग राइट हमको है, नो, वो चीजें तब की थी, तब आधार था कि संपत्ति जिसके पास है वह वोट का अधिकारी होगा, कर या शिक्षा, ठीक है, अगर कोई टैक्स दे रहा है, जिसके पास जो है टैक्स, अगर कोई ज्यादा पेयर है, जाहिर सी बात है जिसके पास जो है क्या होगी, संपत्ति होगी, वही तो टैक्स देगा, तो कर या शिक्षा को आधार बनाया गया था, 3 आधार थे, कौन कौन से, एक तो संपत्ति, दूसरा कर और तीसरा शिक्षा, जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं उन्हीं को निर्वाचन का जो है क्या किया गया था, अधिकार दिया गया था। तो सबसे पहले मताधिकार क्या आया, 1919 में आया था, लेकिन यह बहुत सीमित था, यह प्रश्न पूछा है और पूछेगा। अगली चीज, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, अभी तक आपने क्या पढ़ा, सिर्फ केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली हुई, लेकिन यहां प्रांत में भी लागू कर दी गई, तो केंद्र पूछता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किस एक्ट के माध्यम से किया गया, वह एक्ट था 1919 का। अब जो आपके मतलब प्रांत है, प्रांत में जो द्वैध शासन की व्यवस्था आई, यह सबसे पहले किन किन प्रांतों पर लागू हुई, अगर डी पूछेगा तो यही पूछेगा, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज यह समझ लो कि जो द्वैध शासन प्रणाली रही, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक था आपका आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। जैसे आज देखते हो भैया, जब हम केंद्र में सरकार बना बैठे, राज्य में सरकार बना बैठे, तो अब किन विषय पर केंद्र की सरकार कानून बनाए और किन विषय पर राज्य की सरकार कानून बनाए, इसके लिए जो प्रांतीय विषय होते थे, प्रांतीय मामले होते थे, इनको 2 उपवर्ग में डिवाइड किया गया, समझ गए। अब इस पर चर्चा करते हैं विधिवत। देखिए अगली बात, जो केंद्रीय विधानसभा होती थी, जिसके बारे में मैंने उधर भी आपसे चर्चा किया था, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जबकि राज्य जो परिषद थी उसकी संख्या 60 थी, 60 में से 34 का निर्वाचन था, बाकी आपके निर्वाचित नहीं होते थे, लेकिन जो केंद्रीय विधानसभा थी, जैसे आज की लोकसभा, इनकी संख्या कितनी थी, 145 थी, इनमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे, ठीक है, यह लोकसभा में उस समय प्रावधान किया गया था। अगली बात, इनका जो कार्यकाल होता था 3 वर्ष होता था, लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, दोनों सदनों के अधिकार समान थे, आज राज्यसभा को कुछ अधिकार विशेष मिले, लेकिन लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब दोनों सदनों के अधिकार समान थे। आगे बात देखें, मैंने बताया ना कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में डिवाइड किया गया, तो दोनों विषयों को देख लो कौन किसके अंतर्गत आता है। जो आरक्षित विषय थे, ठीक है, इसमें वित्त को दिया गया, शामिल किया गया, भूमि कर को, अकाल सहायता को, न्याय को, पुलिस को, पेंशन को, आपराधिक जातियों को, ठीक है, छापखाना यानी प्रेस जो होते थे, मीडिया, समाचार पत्र को, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर जो होते थे, और श्रमिक कल्याण, ठीक है, औद्योगिक कोई विवाद रहा, मोटर गाड़ियां हो गई, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि, ये सब किसके अंतर्गत, आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे उस दौरान 1919 में जो प्रावधान हुआ। अगर हम हस्तांतरित विषय, किसी को क्या किया जाए, दे दिया जाए, भेज दिया जाए, इसके अंतर्गत शिक्षा थी, पुस्तकालय थे, संग्रहालय थे, स्थानीय स्वायत्त शासन थे, चिकित्सा सहायता थी, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग था, आबकारी विभाग था, उद्योग था, तौल था तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, ये सभी चीजें किसके, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आपकी आती थी। इसी में एक चीज और आपका शामिल था, वो क्या था, धर्म से संबंधित मामले भी, धार्मिक तथा जो अग्रहार दान होते थे, इन सभी को इसमें शामिल किया गया। अब बात यह उठती है भैया सबसे बड़ी, कि आरक्षित हस्तांतरित विषय तो बनाए गए, शामिल किया गया बिंदुओं को, इन पर कानून कौन बनाता था, क्यों ऐसा करने की जरूरत, अब इसको समझो। देखो, जो आरक्षित विषय होते थे,
इनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, लेकिन जो हस्तांतरित विषय होते थे इनका प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा जो है किया जाता था। समझ गए, जैसे आज लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होती है लोकसभा, जो यूनियन कैबिनेट होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऐसी चीजें तब भी की गई थी। दूसरी चीज, ठीक है, अब एक सबसे बड़ी चीज जिसकी आप परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है, एक लोक सेवा आयोग का गठन किसके माध्यम से, तो वो था आपका 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यह बिंदु मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि दोनों पूछता है, कब लागू किया गया, कब समाप्त, प्रांतों में, ठीक है, जो द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था थी इसको समाप्त भी किया गया है। उसके बाद अगली पॉइंट आपको यह चीज समझना है कि इस एक्ट के माध्यम से एक और प्रावधान था, जो भारत सचिव आपका होता था इसको अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो कैग जो आजकल आप लोग पढ़ते हो, कैग की अगर पद की व्यवस्था हम देखें तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रारंभ होती है, इसी में सबसे पहले कैग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। तो दिमाग में रख लेना, अगर आपसे पूछे मेंस में, जैसे पूछता है अभी पिछले पेपर में था कि महालेखा परीक्षक पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, या कार्य बताइए, तो वहां आपको बताना है कि इस पद की जो है शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। दूसरी बात, यह जो व्यवस्था थी जिसको हम द्वैध शासन बोलते थे, यह द्वैध शासन कहलाई, इसका जनक कौन, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो प्रावधान इनके अंतर्गत किए गए उनमें कौन कौन से बिंदु अन्य आपके शामिल रहे, इन्हीं पर अब हम चर्चा विशेष करते हैं। देखिए 1900 जो आपका ये 19 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रहा, ये एक और इसके बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया कि 1919 में चूंकि द्वैध शासन आ गया, ठीक है, प्रांतों में भी लागू हो गया, इन सारी चीजों को समझने के लिए, अच्छे से इन सारे विषयों को अच्छे से समझने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, और उसमें यह बोला गया कि यह जो आयोग होगा ये 10 वर्षों के बाद इन कानूनों की जांच करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि भारत में हमारे सारे प्रयास कैसे चल रहे हैं। इसके लिए एक आयोग बना था, तो उसी आयोग का नाम जब हम पढ़ने लगते हैं और जानने लगते हैं, वो आयोग आपका क्या था, साइमन कमीशन, ठीक है, 10 वर्षों की समीक्षा के लिए जो बना था इसी का नाम आपका साइमन कमीशन हुआ, जिसको हम जानते हैं। लेकिन 1919 की बात थी और गवर्नमेंट ने बोला कि 10 वर्ष के बाद जाकर के आपको क्या करना है, कानूनों की समीक्षा करनी है। वैसे तो 1921 में लागू हुआ था, इनको 1931 में आना चाहिए था कानूनों की समीक्षा करने, 1931 में आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इतना ज्यादा उतावली थी कि इसने 10 वर्ष से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा कर दी कि यह आयोग जाएगा और भारत में जिन कानूनों को हमने इंप्लीमेंट किया है उनकी विधिवत यह जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगा और हमें आकर बताएगा। अब मामला उनका यहीं पासा पलट गया, पासा पलटा ये कि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए भारत के सभी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा और साइमन कमीशन का भरसक जो है यहां विरोध किया गया। अब बात क्या आई, 1930 में इसके द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई, उस रिपोर्ट पर विचार के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिन गोलमेज सम्मेलनों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि किनमें गांधी जी भाग लिए किनमें नहीं भाग लिए, तमाम सवाल बनते हैं, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे और एक बार फिर से, लेकिन यहां इन चीजों को जानना है कि कौन सा किस एक्ट के वजह से हुआ, उन चीजों को समझना है। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ, क्योंकि 1919 में जितने प्रावधान थे उन प्रावधानों की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन होना था, जो अपनी जांच, जो अपनी रिपोर्ट को लगाता कि भारत में हमारे द्वारा किए गए प्रयास कैसे है। दूसरी बात, जो इसने रिपोर्ट सौंपी 1930 में, इसी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम पढ़ते हैं सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको आप लोग जानते हैं कम्युनल अवार्ड के तौर पर। भैया ये क्या था सांप्रदायिक अवार्ड, बहुत बार प्रश्न आपको मिलेगा, देखो ध्यान दो, सांप्रदायिक अवार्ड जो है ब्रिटिश जो पीएम थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है,
इन्होंने अगस्त 1932 में, कब? अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। अभी तक किस पर लागू किया था? अभी तक मुस्लिमों को इन्होंने अलग किया था, मतलब पूरे भारत को डिवाइड करने की साजिश बहुत अच्छी इनकी चल रही थी। उसी साजिश के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को एक योजना की घोषणा की, और वो घोषणा ऐसा किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन का अब हम विस्तार करेंगे और इस विस्तार को दलितों पर भी हम लागू करवा देंगे। मतलब दलितों के प्रतिनिधित्व को इन्होंने हवा दे दी यहीं से, क्योंकि अंग्रेजों का कार्य क्या था कि 1858 से ही ये पूर्ण रूप से जो अंग्रेज पहले ठीक है भारत में व्यापार के लिए हर एक कोशिश कर डाले, यहां के तलवे चाटते थे राजाओं के, उन्होंने क्या प्रावधान किए, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए कि भारतीयों को भारतीयों में ही लड़ाओ। ये अगर आपस में उलझे रहे, ठीक है बाद में बयान आपको देखने को मिलेंगे, आपको 1857 के बाद एक रिपोर्ट है जो ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, उनका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, ठीक है 156 पेज की या 158 पेज की रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर भारतीय एक आधार पर ऐसे ही जुड़े रहे, इनमें जातिगत भेदभाव और ये सारी चीजें नहीं आई, तो हम भारतीयों पर कभी भी शासन लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। उसी के बाद 57 के बाद 1858 के बाद ही आपको जितने एक्ट दिखेंगे सभी में भारतीयों को भारतीयों से ही अलग करने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, बहुत व्यापक तौर पर, ठीक है, क्योंकि यहां भारतीयों में हर एक नेता बैठा था, ठीक है भारतीयों में तो गद्दार होने की बहुत खूबियां हैं, इतिहास उठा के देख लो, आज से नहीं बहुत सालों से हर एक गद्दार पर गद्दार आपको मिलेगा, ठीक है कोई भारतीय अगर विदेशी कोई आया है तो बिना भारतीयों की, ठीक कोई ना कोई भारतीय भारतीय की पीठ में ही छुरा घोप के आया है। यहां ध्यान दो, दलितों पर भी लागू किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, यह सवाल पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार दलितों पर लागू कब किया गया, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब क्या, गांधी जी ने इसके विरोध में पूना की यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। जब सांप्रदायिक अवार्ड आया तो जब दलितों पर लागू किया गया तो गांधी जी कूदने लगे, ठीक है पूना में यरवदा जेल में इन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया कि आप जो है दलितों को अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये चीजें अनशन गांधी जी की शुरू हुई तो बड़ी बात हो गई, बाद में कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच में पूना समझौता हुआ और दलितों का स्थान जो है आरक्षित कर दिया गया पूना जो है पैक्ट के माध्यम से, जिसको आप पढ़ते हैं अच्छे से जानते हैं। तो हर एक चीजों को मैंने उस क्रम में जोड़ दिया है जहां से कंफ्यूजन नाम की चीज आपकी खत्म हो जाए, ठीक है बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने इतिहास को साथ ही साथ आपके रखा है कि हर एक पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर होते चले। ध्यान दीजिए, अब हमें बात करना है 1935 का भारत शासन अधिनियम, आखिर ये क्यों आया, क्या प्रावधान है, इन्हीं के बारे में विधिवत चर्चा करते हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो एकदम संविधान बना दिया भैया, 451 धारा जोड़ दी। हमारा जब संविधान बना था तो उसमें अब हम धारा नहीं उसमें क्या बोलते, उसमें अनुच्छेद बोलते, लेकिन ये 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट का मतलब भाग बनाया। संविधान में आजकल भाग आपको क्या मिलते, 22 मिलते, उस समय ये पूरा का पूरा एक संविधान। ब्रिटेन वालों ने सोचा कि अब तो भारतीय हमारे गुलाम है, हम क्या करें, अब संविधान इन पर लागू करेंगे। तो 1935 के जो आपका ये एक्ट रहा, आज भी संविधान पर बहुत सारा जो है पूरी चीजें इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई। देखो इसमें ध्यान दे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जो आज हम कहते हैं अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो जो है ब्रिटिशों के दिमाग में यह चीज घूमी थी कि जितने प्रांत ये डिवाइड है ना, इन सभी प्रांतों को एकदम अंडर में ले आओ, ठीक है। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात यहीं से चालू हुई। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, उस समय ब्रिटिश प्रांत 11 थे, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे, और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। यही प्रावधान आज भी है, लेकिन कोई ये इनका फंडा नहीं चल पाया, 1935 वाला ये फंडा इनका चल नहीं पाया। अखिल भारतीय संघ का इन्होंने सपना देखा और इस सपने को साकार नहीं होने दिया गया। दूसरी चीज क्या थी, अब यह सपना साकार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देसी रियासतें, अब जानते ही भैया देसी रियासतें एक नवाब क्यों कहेगा कि हम तुम्हारे अंडर आएंगे, नवाब तो नवाब रहेगा ना कहीं वो चीजें रहेंगी। तो भारत में हर कोई इतना बड़ा वो तब भी नवाब है।
अब क्या हुआ कि देशी रियासतें संघ में सम्मिलित ही नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया, वो वहीं समाप्त हो गया। ठीक है, अंग्रेज ऐसा करते कि भैया सभी को घोषणा पत्र जारी करें कि आप लोग आकर के भारतीय संघ में विलय करिए अपनी रियासत का, तो जब सम्मिलित ही नहीं हुई देशी रियासतें तो यह मामला वहीं पर फिसड्डी रह गया। अगली बात, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, जो प्रांत थे उस समय उनका संघ में शामिल होना अनिवार्य बनाया गया था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था कि भैया ऑप्शनल है, आप चाहो तो आ जाओ। ठीक है, जब ऑप्शनल है तो देशी रियासतों ने कहा हम नवाब हैं, हम नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो आगे समझो इस बातों को। अब इन्हीं के माध्यम से एक और चीज की गई थी 1935 के एक्ट के माध्यम से, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। 1935 में एक शब्द आपको देखने को मिलता है, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, यानी हर एक जो प्रांत थे इनको फ्रीडम कुछ दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। ठीक है, मैंने बताया था जब अभी इससे पहले पढ़ा रहा था कि द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में लागू की गई लेकिन 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई, और प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी इसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, स्वशासित संवैधानिक आधार कहां से मिला प्रांतों को, यह 1935 के आपके भारत जो है शासन अधिनियम में 11 में से 6 प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है, चूंकि 11 प्रांत थे तो इन प्रांतों में विधानसभा बनाई गई और विधान परिषद यह वर्तमान स्वरूप आज भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन हर जगह क्या होती है, विधान परिषद नहीं होती है, विधानसभा हर जगह है अपने राज्यों में। ठीक है, उस समय 11 में से 6 आपके ऐसे राज्य थे जहां विधान परिषद और विधान जो है सभा की स्थापना की गई। कौन कौन से वो राज्य थे, प्रांत थे, तब प्रांत बोलते थे, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, इन सभी जगहों पर विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना की गई। अगली बात अगर हम देखें, ठीक, तो वो प्रावधान ये था कि कुछ आपके जैसे उससे पहले मैंने बताया था कि संघीय और इन विषयों के बारे में अलग अलग चीजों के बारे में, तो क्या किया गया, जैसे हस्तांतरित विषय, और मैंने आपको क्या बताया था, एक हस्तांतरित विषय होता था एक आरक्षित विषय होता था, तो उनमें क्या किया गया, कुछ जो आपके संघीय विषय होते थे जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध यानी विदेशी संबंध, धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया, अन्य जो संघीय विषयों को व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। अब यहां देखो मंत्रिमंडल यहीं पर आपको मिल गया, 1935 में मंत्रिमंडल, ठीक है, वहीं पर यह प्रावधान आ गया था, और जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी, व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा, मतलब यहीं से देखो प्रावधान किया गया और आज भी यही प्रावधान है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर आपकी मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो ये 1935 में किया गया था। अगली चीज अगर अगली बात देखें इसमें, तो जितने इसमें सब कुछ आपको दिखाई देंगे ना वो सारी चीजें क्या रही, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के बारे में कुछ चीजें परिलक्षित होती हैं। कैसे, जैसे कि ये जो एक्ट रहा इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, इस अधिकार एक्ट में कोई भी परिवर्तन लाना है तो उसके लिए सर्वोसर्वा कौन थी, ब्रिटिश की आपकी संसद थी। ठीक है, दूसरी बात, भारत परिषद का अंत कर दिया गया, जो भारत परिषद बनाई गई थी शुरुआत में 1858 वाले में उसका अंत किया गया, यानी इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का पूर्ण रूप से समापन हो गया, स्वाहा कर दिया 1935 ने। अगली चीज सबसे जरूरी यह है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी इसका और एक्सपेंड किया गया, इसका विस्तार किया गया, अब भारत में इन चीजों को और बढ़ावा दिया गया, और क्या किया गया, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका लगातार विस्तार किया गया, और उसका विस्तार किन पर भारतीयों, जो भारतीय ईसाई होते थे जिनको आप जो है एंग्लो इंडियन के तौर पर जानते हैं, और साथ ही साथ जो यूरोपियन यहां रहते थे उनको भी उसी के अंतर्गत शामिल किया गया, हरिजन जो थे इनके लिए भी यह प्रावधान को विस्तार कर दिया गया। समझ गए,
अगली चीज, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यह प्रश्न पूछता है कि बर्मा को भारत से किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया, तो वह 1935 का आपका भारत शासन अधिनियम रहा, जिसके द्वारा बर्मा को किससे अलग कर दिया गया, भारत से अलग किया गया। अदन, अदन की खाड़ी को पढ़ते हो, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अदन और बरार दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, अगली चीज, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। सबसे पहले, इससे पहले क्या होता था, कोई अधिनियम आता था तो उसमें एक आध बातें लिखी जाती थी कि भैया ये ऐसा ऐसा आपका प्रावधान है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें आजादी लेनी है। 1947 पर आइए, 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रहा, इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए। 3 जून 1947 की बात है, जब वायस राय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश की थी। ठीक है, कि भारत को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये जो योजना आई, ये किस दिन आई, 3 जून 1947 की बात है। अब कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया, इस योजना को दोनों लोगों ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। ठीक है, ये पूछता है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस दिन पारित किया गया, तो वह डेट अब की थी 18 जुलाई 1947 की। ठीक है, अब इसमें 20 धाराएं थी, क्या क्या उपबंध किए गए थे, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहला जो प्रावधान किया गया था, देशी अधिराज्यों की स्थापना की गई। क्या देशी अधिराज्य भैया, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। दूसरी बात, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी, ऐसा भी प्रावधान कर दिया गया। अगली बात, अगली चीज यह है, जो भारत मंत्री पहले होता था, इस भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत मंत्री का जो है पद समाप्त कर दिया गया 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा। शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान नहीं बना लिया जाता, तब तक इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही जो है यहां के दोनों अधिराज्यों, जो भारत और पाकिस्तान थे, इन दोनों गवर्नमेंट को उसी के अधीन शासन करना था। ठीक है, देशी जो रियासतें थी, इन पर ब्रिटेन की सर्वोपारिता का अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो ये सारे प्रावधान आपके सब कुछ अधिनियमों को हमने पढ़ लिया है। अब कल से हम शुरुआत करेंगे अपने नए टॉपिक की ओर, नए विषय जो है इसके अगले चैप्टर की ओर, जो हमें पढ़ना होगा कि भारतीय संविधान में इसके बाद भारत की संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने कानून बनाया, उन सभी के बारे में विधिवत अगली कक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक इसकी वीडियो को अच्छे से पढ़िए, नोट्स को बहुत ढंग से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।